क्या क्या बोले, मेरा सरकारी कार्यक्रम है, मैं चंद प्लान दूरी के ऊपर दूसरे उद्देश्य से दूसरा भाषण दूंगा, ये कहना ही पद की गरिमा के खिलाफ है। आप क्या बोल रहे हो आपकी मर्जी है, आपको मुबारक हो, अच्छा बोलोगे लोग अच्छा करेंगे, आप खराब बोलोगे तो लोग कहेंगे यार ये क्या बोल रहे, इसलिए हम बोलने पे आपत्ति नहीं कर रहे, लेकिन हम इस बात पे आपत्ति कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री हम सबका प्रधानमंत्री है और वो किस तरीके से मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं, किस तरीके से अप एंड डाउन कर रहे हैं, किस तरीके से बिना भीड़ खाली कुर्सियों को संबोधित कर रहे हैं। नड्डा जी आते 150 आदमी नहीं रहते और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए, इज्जत का रक्षा लोग क्या मुकाबला करेंगे, ये चुनाव है, चुनाव में ये साम दाम दंड भेद इस तरीके का कोई भी प्रयास करने से बात नहीं आई। हमारी ड्यूटी है कि हम पुरजोर तरीके से गलत बात का विरोध करें, हम पुरजोर तरीके से इनकी विफलताओं को लोगों में लेकर के जाए, अपने आप को तैयार रखें। जैसे फौज में होता है ना, फौज में सिपाही जब सोता है तो ड्रेस पहन के सोता है और उसका आंखें बंद होती है लेकिन कान खुले होते हैं कि देश को अगर मेरी जरूरत है एक मिसल बजे तो वो 1.5 मिनट बाहर हथियार ले जाए। वैसे आपको सबको तैयार रखना पड़ेगा, हर बात के लिए तैयार रखना पड़ेगा। कुछ विधायकों को लग रहा होगा कि ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाने से भी हमको जीत मिल जाएगी, लग रहा होगा, या कोई निजी इससे भी बड़ा काम होगा। मैं उनको कहना चाहता हूं कांग्रेस है तो हम सब हैं, हमारे नेता के अस्तित्व के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर इस तरीके का षड्यंत्र किया जा रहा है और उसके बाद में भी अगर किसी कांग्रेस के नेता का खून नहीं खोलता है, ऐसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं। मैं कितनी दिन रहूं मतलब कितने दिन रहूं नहीं रहूं कोई बात नहीं, 100 साल कोई नहीं रहता, जिंदा ही नहीं रहता, पद तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन गोविंद डोटासरा अपनी जिम्मेदारी के साथ में न्याय करेगा, न्याय करेगा।